हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपको कराते हैं आज की खबरों से अपडेट। हलालपुर गांव के खेतों में युवक की गोली मारकर हत्या, नग्न अवस्था में पड़ा मिला शव, प्लानिंग के तहत किया गया है कत्ल। खरखोदा थाना क्षेत्र के हलालपुर गांव के खेतों में KMP से थोड़ा दूर गांव के ही एक किसान के खेत में एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसकी पहचान हलालपुर गांव निवासी अमित उर्फ नाना पुत्र कृष्ण के रूप में हुई है, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। चेहरे पर भी चोट के निशान है। युवक का शव गांव के ही पप्पू पुत्र चंदन के खेतों में पड़ा मिला। युवक अपने घर से कल से लापता था। रविवार को उसका शव खेतों में नग्न अवस्था में पड़ा मिला, जिसके शरीर पर गोली लगने के निशान हैं और उसके चेहरे पर भी चोट के निशान मिले हैं। जैसे ही मामले की सूचना खरखोदा पुलिस को मिली तो खरखोदा पुलिस थाना प्रभारी जसबीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मृतक की करीब 3 वर्ष पहले शादी हुई थी, जिसका एक लड़का भी है। युवक के मुंह पर भी चोट मारी गई है और शव को खुर्दबुर्द करने की कोशिश भी की गई है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक शरीर पर 2 गोलियां लगी हैं, जो एक गोली छाती में लगी है जबकि एक गोली पीछे कमर में लगी है। चेहरे पर चोट के निशान हैं। पुलिस ने फिलहाल हत्या का मामला दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने के लिए पुलिस ने टीमें गठित कर दी हैं, ताकि हर दिशा में पुलिस मामले की जांच कर सके। बताया जाता है कि अमित के पिता ने ट्रक ले रखा है और ट्रक से ही वे अपनी आजीविका चलाते हैं। अमित भी कई बार ट्रक चलाता है। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हर दिशा में कार्रवाई कर रही है। थाना प्रभारी जसबीर सिंह का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा और आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। कैसे हत्या हुई आपके बेटे की? पता नहीं जी, कैसे शाम को घर से निकला था। किस समय निकला? ये निकला 7:30 PM। क्या नाम है इसका? अमित। क्या काम करता था? ये ड्राइवरी कर रहा था। फिर कुछ बता के गया वो घर पे? नहीं, कुछ नहीं बताया, नहीं करा था वहाँ। ये बात 10-15 मिनट। आपको कैसे सूचना मिली? मेरे को सुबह सूचना ये भी मिली है मेरे को, तो सुबह के फ़ोन पर फ़ोन मिला, फ़ोन मिलता नहीं का। अच्छा जी, ठीक। खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हरियाणा 8 9 PM न्यूज़ चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।